नमस्कार दोस्तों, शिक्षक नियोजन में बड़ा खेला अनिवार्य विषय के आधार पर नियोजित शिक्षकों की बहाली। प्रतिष्ठा या सहायक विषय के रूप में भाषा रखने वालों की जगह अनिवार्य विषय वालों का नियोजन। मुजफ्फरपुर में गलत तरीके से बहाल 30 नियोजित शिक्षक काउंसलिंग के दौरान चिन्हित। चलिए दोस्तों, पूरा न्यूज देख लीजिए। मुजफ्फरपुर का न्यूज है, जिले में 6ठी से 8वीं कक्षा तक के नियोजित शिक्षकों की बहाली में बड़ा खेल पकड़ा गया है। स्नातक में भाषा को अनिवार्य विषय रखने वाले भी भाषा शिक्षक बन गए, जबकि प्रतिष्ठा या सहायक विषय के रूप में भाषा रखने वाले ही इसके लिए योग्य है। सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग में अब तक करीब ऐसे 30 को चिन्हित किया गया है। नियोजन इकाई ने भाषा शिक्षकों की बहाली में यह गड़बड़ी पकड़ी है। जिला शिक्षा अधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि गलत तरीके से बहाल शिक्षकों को हटाया जाएगा, विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है। जिले में सक्षमता पास शिक्षकों की संख्या 8000 से अधिक है। इनकी काउंसलिंग DRCC सिकंदरपुर में की जा रही है। 250 शिक्षकों की काउंसलिंग हर दिन हो रही है। DRCC में सक्षमता पास शिक्षकों के कागजात की जांच के क्रम में पाया गया कि स्नातक में भाषा को अनिवार्य विषय रखने वाले भी भाषा शिक्षक बन गए, जबकि स्नातक में प्रतिष्ठा या सहायक विषय के रूप में भाषा रखने वाले ही इसके लिए योग्य हैं। काउंसलिंग में इस तरह की बात सामने आने के बाद DPO स्थापना को वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया है। DPO ने वैसे शिक्षकों को चिन्हित करने को कहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा है कि उच्च अधिकारी को जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, ऐसे में इन शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन मांगा गया है विभाग की ओर से, देख सकते हैं। उसके बाद इन पर कुछ कार्रवाई हो सकती है, जो भी मार्गदर्शन मिलेगा उसके अनुसार होगा क्या किया जाए, क्योंकि बहाली अब हो गया है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।